अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद रजा जी। स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.1 की कुछ क्वेश्चंस किए। 3.3 का पहला पार्ट हमने कर लिया था, आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। नंबर 1, जब उनका ऑर्डर सेम हो। नंबर 2, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अब ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि इक्वल, उन्होंने खुद ही बताया हुआ कि इक्वल हैं। अब हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल तो हैं, ऐड और सेम है, इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई के होगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। 1 ऑलरेडी 1 के इक्वल है, माइनस 3 ऑलरेडी माइनस 3 के इक्वल है। दूसरा, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इसको सॉल्व करें, या सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व करें, जैसे आपकी मर्ज़ी कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2। जी 3 वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, ये वाई की जगह पे मैंने एक्स प्लस 3 पुट किया। माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, जी मल्टीप्लाई 3x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। जी स्टूडेंट्स, 4 एक्स वाली वैल्यू इधर ले आए, ये माइनस 2x हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज उधर चली जाएंगी, तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 9, x इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5, एक्स की वैल्यू आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरी भी आ सकती है, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। जी माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा जी माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2। जी स्टूडेंट्स, ये आंसर। अब अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये आपको पहले भी पता है कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके जिम्मे हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। तो दिया हुआ है हमें 20x, 20x 1 बाय 3 प्लस 2 1xy 0 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 सॉरी इज इक्वल टू 4 2 माइनस 3 हाँ जी 161। जी ये हमारा क्वेश्चन है, हमने x और y की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सिंपल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे, एडिशन है वो करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे इसी तरह से सॉल्यूशन। अब ये 20x 1 बाय 3, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 2x स्केलर है, हर एलिमेंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। 2 ये हो जाएगा जी 2x 2y, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 2 माइनस 3 1 6 1। हाँ जी, अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, एडिशन, तो कॉरस्पॉन्ड हर एलिमेंट सामने वाले के साथ मल्टी ऐड होगा, 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2x
फिर x प्लस टू वाई जी, 1 प्लस 0, y प्लस 4, 3 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3, 1, 6, 1 जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास 4, 2x, x प्लस 2y, 1, y प्लस 4, ये 3 प्लस माइनस माइनस 2, ये 1 बचेगा इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3, 1, 6, 1 जी स्टूडेंट्स, ये अब दोबारा से दो मैट्रिसेस हमारे पास आ गए इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x जिसमें होगा वही एलिमेंट ले लूँगा। तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये y की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस, 2x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, दूसरा y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, y प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड की x इज इक्वल टू 1, y 6 प्लस यहाँ पे जाके माइनस y इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे पास x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रूफ करना है हमने। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जनरल हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एक जिसका ऑर्डर है 3, जी क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे जी, ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3। वो कहता है शो दैट पार्ट नंबर 1, लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए जी, ये हमने प्रूफ करना है। अब लैम्डा इसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, म्यू इसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये जनरल ऑर्डर जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए आई जे, ये मैंने पहले भी बताया था, आई जो है वो किसको शो करता है, रोज़ को शो करता है, और ये जे जो है वो कॉलम्स को शो करता है। अब 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू, जिसका ऑर्डर 3 होगा, ए 1 1, 1 2 1 3, ए 2 1, 2 2 2 3, 3 1, ए 3 2, 3 3। ये जी हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसको हमने ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा इंटू म्यू ए, लैम्डा फिर म्यू मैट्रिक्स ए, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, ए 3 3। जी स्टूडेंट्स, अब स्केलर है, मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग से ये मल्टीप्लाई होगा। जी इज इक्वल टू लैम्डा, हाँ जी, म्यू ए 1 1, म्यू ए 1 1, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई ए 1 2, म्यू ए 1 3, सेम इसी तरह से म्यू ए 2 1, म्यू ए 2 2, म्यू ए 2 3, म्यू ए 3 1, म्यू ए 3 2, म्यू ए 3 3। जी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई कर लिया, दोबारा लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है तो ये भी एक स्केलर है, हर किसी के साथ अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा इंटू म्यू ए 1 1, लैम्डा इंटू म्यू ए 1 2, फिर लैम्डा इंटू म्यू ए 1 3, लैम्डा म्यू ए 2 1, लैम्डा म्यू ए 2 2,
लेमडा म्यू ए टू थ्री, लेमडा म्यू ए थ्री वन, लेमडा म्यू ए थ्री टू, लेमडा म्यू ए थ्री थ्री। जी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर हमारे पास तीन जो हैं एलिमेंट्स हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय सी। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रैकेट चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे लास्ट दो पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे पहले दो पे ऊपर आ जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास लैम्डा म्यू ए वन वन, लैम्डा म्यू इंटू ए वन टू, लैम्डा म्यू इंटू ए वन थ्री, लैम्डा म्यू ए टू वन, लैम्डा म्यू ए टू टू, लैम्डा म्यू ए टू थ्री, लैम्डा म्यू ए थ्री वन, लैम्डा म्यू ए थ्री टू, लैम्डा म्यू ए थ्री थ्री। जी ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये लैम्डा म्यू इसमें भी है, इसमें भी है, सब एलिमेंट्स में से है, तो सब में से हमने लैम्डा म्यू जो है कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, टेकिंग कॉमन लैम्डा म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू हमने कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। जी ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो हमने यहाँ पे इसको लैम्डा म्यू इंटू ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी जो कि हमारे पास क्या थी, लैम्डा इंटू म्यू ए इक्वल आ गया लैम्डा म्यू इंटू ए। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि प्रूव हो गई। अब यहाँ आज के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।